वो चली बैठा गया नहीं। A few minutes later, तो गाइस निकल चुके हैं मंडी के लिए। तो देखो यार बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर। यार गोप्रो लेंगे भाई, यार बन के सब्सक्राइब करा दो भाई, क्या कर रहे हो यार। जितने व्यूज आते हैं भाई उतने मतलब सब्सक्राइब आ जाए ना तो मजा आए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो गाइस, तो अभी हम कलखर वाले रोड पे हैं और कलखर से मंडी जा रहे हैं। अभी मंडी से फिर जाएंगे हम प्राश्र लेख। तो चलते हैं यार, ज़्यादा वक्त गंवाए बिना, वक्त गंवाए यहाँ से चलते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। ओके सर, आई गो राइड ऑन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मंडी 27 किलोमीटर है गाइस। तो यहाँ के रोड की हालत पहले तो खस्ता थी, अभी देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। पहले तो ज़्यादा ही ख़राब था यार, पूछिए तेल बहुत है बाइक में। अच्छा हमको सिखा रहा है। चलो चलते हैं अभी। ये देखो भाई ने हेलमेट तो रखा है बट लगाया नहीं, और ऐसे इलाकों में हेलमेट्स तो चाहिए चाहिए। देखो खड्डे गाइस, हेलमेट लगाओगे अपनी सेफ्टी यार, किसी दूसरे को नहीं देकर जाना, अपने खुद की सेफ्टी के लिए होता है हेलमेट। हेलमेट कई बंदे लेते हैं और बाइक के साथ टांग लेते हैं उसको, ऐसा नहीं करना। तो हेलमेट लगाओगे अगला भी सेफ रहेगा, आप भी आप खुद सेफ रहोगे। फिर लिमिट में चलानी है गाड़ी, ज़्यादा नहीं, हमारे जैसे लिमिट में चलानी है। देखो 47, इतनी ज़्यादा नहीं। ज़्यादा स्पीड से बस दूसरे को भी नुकसान होता है, ख़ुद को भी नुकसान ही होता है। और पहली बात तो सेफ्टी अपने हक में होती है यार, जितनी मर्जी सेव कर लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अक्षय, अक्षय नाम है भाई का जिसके साथ मैं आज राइड पे हूँ, नहीं जो मेरे साथ आज राइड पे है। तो बढ़िया यार, ये भी इसका चैनल का नाम है प्रो बाइकर 200, सब्सक्राइब कर लेना गाइस इसके चैनल को भाई के। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यार कितनी खस्ता हालत है यहाँ कलसर से मंडी की। अरे भाई भाई भाई, बहुत ही गंदा रोड है यार, क्या करें यार, इतना घटिया रोड है ना, क्या बोलूं यार। अजी ये प्राश्र वाला रोड है गाइस, प्राश्र लेक के लिए जा रहे हैं अभी हम। पीछे से मैं वीडियो बनाना भूल गया, तो पूरा रास्ता वीडियो बनती जाएगी, कट कर दूंगा कुछ सीन। A few moments later. तो गाइस मैकेनिक की शॉप मिल चुकी है इधर, देखते हैं क्या हुआ इसको। गाइस तो ये बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ा, तो अभी चलते हैं यार। क्या हुआ गाइस क्या हुआ बताएंगे आप, क्या हुआ भाई है? क्या हुआ? फोन आई किधर, फोन आया तो भाई ये देखिए ना। तो गाइस प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि गोप्रो लेना है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो चलते हैं यार, एक तो रोड ऊपर से खराब है, यहाँ से
और ठंड भाई साहब, ठंड बहुत पड़ रही है भाई 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 भाई, मतलब इतनी ठंड पड़ रही है यार, क्या होने भाई। आपको टायर के पटाखों की आवाज़ आ रही होगी शायद। गई थी अभी यार बाइक, बिल्कुल कच्चा रोड है यार। ओ भाई गाइस, बहुत ठंड है यार। और यहां से आप कब 3 किलोमीटर बचा यहाँ से, और यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हो यार, काफ़ी मज़ा। और ठंड पता कितनी है, वो सामने जो पहाड़ है ना, वहाँ पर अभी भी बर्फ़ है भाई। अभी मुझसे ना बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं आगे जाकर कहीं रूम लेते हैं, स्टे करते हैं कहीं जाकर। पहाड़ों पे भी बर्फ़ है, पिघली नहीं है अभी भी उन पहाड़ों पर। गाइस सनराइज हो गया खत्म, तो अभी हम थोड़ी सी पिक क्लिक करेंगे। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहां पर रुके थे हम, अभी हमारा जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ। ये है कृष्णा, कृष्णा आल्सो वी विल हियर, कृष्णा कैंप है गाइस ये। तो यार बढ़िया है, व्यू बढ़िया है यहाँ पर, ये कैंपस है। प्रबंध 800 रुपये सोने के लिए। और ये देखो यार, अभी हम बढ़िया आगे हम जाएंगे प्राश लेक, अभी शाम को, रात को इतना टाइम नहीं बचा था जा सके हम। भाई जी का बोलने का नेचर बहुत बढ़िया है यार, बहुत प्यार से बोलते हैं भाई यहाँ कृष्णा कैंप में। तो गाइस चलते हैं यार, देखें आगे क्या बनता है। वो सामने पहाड़ है भाई, बर्फ है अभी भी। ये जो पत्थर तोड़े हुए ना, ये सड़क में लगेंगे। ये गाइस व्यू देखो यार, क्या भाई भाई गाइज ये देखिए। तो ओ आई होप कि आपको बढ़िया लग रहा होगा यार, क्या भाई बढ़िया व्यू है ना। तिलवा बाइक का
हेलो गाइस, ये देखिए आप लोग यार, ये पराशर ऋषि थे, कोई मतलब महान ऋषि थे। तो इस झील में ऐसा है, पानी यही स्तर पर रहेगा, मतलब ये जो टापू है ना, मतलब ये जो गोला सा दिख रहा है, गोला सा दिख रहा है ना ये, तो ये कुछ समय बाद ना ऋतु बर ऋतु चेंज होता रहे, यहाँ मतलब ये टापू वहाँ से वहाँ चला जाएगा, पानी का स्तर इतना ही रहेगा, अपने आप ही वहाँ चला जाएगा, ये पानी का स्तर इतना ही रहेगा ये। तो देखते हैं यार, मंदिर में भी जाते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है, पहली बार जा रहा हूँ मैं भी यार खुद, तो देखते हैं। ये देखो यार, इसने भाई ने हेलमेट नहीं खोला, मतलब ओए, तो चलते हैं यार, क्या कर सकते हैं, ये लड़का है बहुत भिंडा है, लकड़ी से बना हुआ है सारा ही। अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे, देखते हैं क्या है मंदिर में। ये है भाई मंदिर, कम से कम कितना पुराना होगा भाई, जबकि देवता है तब से। ये झील सुना है, जो ये झील में टापू है, ये खुद चेंज होता है, मतलब चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब देखा नहीं किसने, चलते नहीं देखा, नहीं चलते नहीं देखा कभी किसी ने। हाँ जी, ऐसे चलता है गोल बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल गोल गोल घूमता है, चलता है कभी जल्दी ऐसे चलता है, मतलब हर एक ऋतु में चेंज होगा ये, चार ऋतु होती है, ऋतु में चेंज होता ही होता है। नहीं नहीं, अपना काम है, अच्छा उनका सिस्टम नहीं है, जैसे पृथ्वी चक्कर, जैसे पृथ्वी चक्कर काटती है वैसे ये चक्कर काटता है। पानी भी 12 महीने तो नहीं, इतना ही रहता, इतना ही, तो ये 12 महीने खुला ही रहता मंदिर। हाँ जी, 12 महीने खुला ही रहता मंदिर। तो गाइस देख लो, आपने कभी भी आना होगा मंदिर में, गाइस तो मंदिर देख ही सकते हैं। तो ये कम से कम यार, कम से कम मैं भी इतना अंदाजे से नहीं बोल सकता, और बहुत ही पुराना है यार, मतलब टोटल दियार लगी है, लकड़ी होती है दियार, पूरी लकड़ी लगी हुई है पूरी, वो देखो पत्थर तो पीछे लगे हैं, आगे मतलब आगे वाली दीवार के लिए लकड़ी लगी है, देखो टूटी लकड़ी है। और यहाँ पर ना मतलब चमड़े चुमड़े का मतलब अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी है, मतलब मैं आपको इधर ही दिखाता हूँ, ये देखो मंदिर ना थोड़ा सा टेढ़ा भी, मत ये हो महर्षि जी मेरे सब्सक्राइबर करा दीजिए तो हरिओम। तो गाइस आपको बताते हैं अभी पीछे वाला भी, ये देखो कहते हैं ये जो टापू है ना, ये टापू है, तो ये अपने आप खुद घूमता रहता है, वो सामने बिल्ली खुद घूमता रहता है, और कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ चलता रहता अपने आप, जैसे पृथ्वी चक्कर काटती ना सूर्य के। और ये पानी जो है ना, पानी इतने का इतना ही रहेगा, ये मतलब ना कम होगा ना ज़्यादा, इतना ही रहेगा स्तर, लेवल स्तर इसका, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो सर्दी हो, ये इतना ही रहेगा। तो गाइस अभी हम यार बहुत लेट भी हो रहे हैं, ऐसे देख लो टोटल मतलब लकड़ी लगी हुई है, देखो लेंटन डाला, लकड़ी लगी ऊपर, लकड़ी पहले लकड़ी लगी है, फिर ऊपर जो पत्थर गए आते हैं, ये देखो ऐसे हैं। तो वो चलते हैं,